तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में। इस स्मार्टफोन की कुछ लीक्स निकल के सामने आ चुकी है। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाने वाला है और इस स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी और इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको भी जाना है इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, उम्मीद है कर लोगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में लुक और डिज़ाइन A51 जैसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 19:20 का यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A52 में आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.5 इंच की, लेकिन सुपर एमुलेट प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। A51 में खाली आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिली थी, यहाँ पर आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले प्लस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा फर्क जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन हाईलाइट निकल के आता है जो इस स्मार्टफोन का कैमरा है। काफी बेहतर कैमरा देखने को मिल जाता है। पीछे आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब एक क्वाड कैमरा सेटअप है। जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, काफी बेहतर कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का इंफिनिटी ओ डिस्प्ले साथ देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में 4500mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ इसका भाई भी देखने को मिल जाएगा, जो है स्मार्टफोन की चार्जर 25W का बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जर का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाने वाला है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बेहतर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये प्रोसेसर 5G प्रोसेसर सपोर्टिंग है। कहने का मतलब है इस स्मार्टफोन में आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। बात करें इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस होने वाली है इंडिया में, तो ये स्मार्टफोन आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला है और आपको 5G स्मार्टफोन आपको सस्ता नहीं देखने को मिलेगा। और अब लोग बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, तो ये आपको स्मार्टफोन फेब में देखने को मिल जाएगा। फेब के एंडिंग तक ये इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस मैंने आपको बता दी, 25 से 30 हज़ार के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको एक वेरिएंट नहीं देखने को मिलेंगे, 2-3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है, आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर लिख लेना है, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो आप ज़रूर एक कमेंट लिख के जाइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सके आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए। ऑलवेज बी हैप्पी।